हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला मैं, वो होगी स्ट्रमिंग पैटर्न्स पे। तो स्ट्रमिंग पैटर्न्स, नेमिंग स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा जिनके नेम होते हैं जो वर्ल्ड वाइड एनी नेम से फेमस है, एनी नाम से जानी जाती हैं। तो अगर आप किसी बैंड में सेलेक्ट होते हैं, आप किसी बैंड के लिए प्ले करते हैं, तो वहाँ पर आपसे ये बात नहीं बोली जाती कि डाउन अप अप डाउन बजाइए, डाउन अप 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 डाउन, ऐसे चीज़ें नहीं बोली जाती। आपसे बोली जाती है कि कैलप्स बजाइए, फॉक्स ट्रॉट बजाइए, रोम्बा बजाइए, बासुनो बजाइए, वॉट्स पैटर्न बजाइए। तो ये कुछ नाम है स्ट्रमिंग्स के जो मैं आपको आगे के लेसन से बताने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो ऐसे मैं 25-30 स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा, बिगनर से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक हम ऐसे धीरे धीरे करके जाएंगे लेसन वाइज। तो आज के जो लेसन होगा बिगनर लेसन होगा, मैं आपको 3 स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए जिससे आपको नए नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप इस प्लेलिस्ट में इंटरेस्टेड है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए जिससे आपको नए नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं दूसरे गानों के लेसन से डालता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 करने वाले हैं स्ट्रमिंग पैटर्न। जो सबसे पहली स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है वॉट्स पैटर्न, सेकंड है वॉट्स और थर्ड है फॉक्स ट्रॉट। तो ये 3 स्ट्रमिंग पैटर्न आज हम कवर करेंगे। और तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न में एक चीज़ यूज होती है जिसका नाम होता है म्यूट। तो पहले हमें म्यूट सीखना पड़ेगा, फिर जाकर हम तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न्स को प्ले कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स मैं आपको सारी 25-30 बताने वाला हूँ, ये सारी मोवेल कॉर्ड्स में बसती हैं। ओपन कॉर्ड्स में कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रमिंग्स को बजाने का, क्योंकि इनमें डेड म्यूट्स और म्यूट्स होते हैं। तो आज पहले मैं आपको बता देता हूँ मोवेल कॉर्ड्स क्या होती हैं। तो कुछ कॉर्ड्स होती हैं जिनको अगर आप मूव करें तो उनसे नई कॉर्ड्स बसती हैं। जैसे अगर आप एफ को मूव करें सेकेंड फ्रेड में, तो ये बजाती है एफ शार्प, फिर आती है जी, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर ए शार्प। ऐसे करके जो कॉर्ड्स मूव करते हुए नए कॉर्ड्स को फॉर्म करती हैं उन कॉर्ड्स को कहते हैं मोवेल कॉर्ड्स। जैसे ये हो गई ए माइनर, फिर ए शार्प माइनर, बी सी, सी शार्प माइनर, डी, डी शार्प माइनर। तो ऐसी कॉर्ड्स जो मूव करें और नए कॉर्ड्स फॉर्म करें उन्हें कहते हैं मोवेल कॉर्ड्स। अगर आपको मोवेल कॉर्ड्स नहीं आती बजानी तो आप यहाँ पर एक लिंक आ रहा है उसमें क्लिक मार सकते हैं। बहुत सिंपल होती है मोवेल कॉर्ड्स को प्रिपेयर करना और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिंपल होता है आपके लिए गिटार प्ले करना अगर आपको मोवेल कॉर्ड्स आती हैं। तो यहाँ पर जो लिंक है उसमें आप क्लिक मार सकते हैं, इससे आपको मोवेल कॉर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको एक लेसन दे रखा है पहले भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर आपको मोवेल कॉर्ड्स आ चुकी हैं तो हम एफ मोवेल कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो एफ मोवेल कॉर्ड अगर आपको आती है नहीं आती वो बात अलग है, तो पर नॉर्मली एफ कॉर्ड तो आपको आती होगी। तो आपको होल्ड करनी है एफ कॉर्ड, आप बार में होल्ड करिए, ऐसे होल्ड करिए, आपकी मर्जी है। अगर आप बार में होल्ड कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे होल्ड कर रहे हैं तो ऊपर वाली स्ट्रिंग को म्यूट कर दीजिए थंब से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, म्यूट करने के लिए आपको सिंपली स्ट्रम करना है और सारी स्ट्रिंग को छोड़ देना है वहीं पर ही। जैसे आपने दबा रखी है सारी स्ट्रिंग्स, प्ले करा आपने और फिर इसको ऐसे करके रिलीज़ कर देनी है सारी स्ट्रिंग्स को। ऐसे रिलीज़ नहीं करना है, बस स्ट्रिंग्स के ऊपर हाथ रख रखना है और प्रेस नहीं करना। तो आपको सबसे पहले दबाए रखनी है, नॉर्मली प्ले करनी है स्ट्रम, फिर ऐसे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग सारी म्यूट हो रही है जैसे मैं छोड़ रहा हूँ देना, देखिए। तो ऐसे आपको करना है। तो नॉर्मल जो स्ट्रम होती है वो उसकी आवाज़ कैसे आती है, गूंज रही आवाज़, ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए म्यूट। तो आपको प्रेस करना है फिर छोड़ देनी सारी फिंगर्स, तो ये रहेगा म्यूट, ठीक है। तो आपको म्यूट आ गया, तो अब आप बात कर सकते हैं तीनों स्ट्रमिंग के बारे में। तो जो सबसे पहली स्ट्रमिंग पैटर्न जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉट्स पैटर्न, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही बिगनर लेवल की स्ट्रमिंग पैटर्न है, इसलिए मैंने इसका सबसे पहला नंबर दिया है। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 कॉर्ड सीखनी पड़ेंगी, ये है डी माइनर, सी मेजर और ए शार्प मेजर। 3 कॉर्ड्स मोवेल कॉर्ड्स होनी चाहिए, याली डी माइनर की बात नहीं चल रही है अभी, ना ही ये वाले सी मेजर की बात चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ मोवेल कॉर्ड्स में, डी माइनर, सी मेजर और ए शार्प मेजर। अगर आपको ये प्ले करने नहीं आती मैं आपको सिंपली एक बार मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इन 3 फिंगर से पकड़ना है ए माइनर कॉर्ड, ओपन जो आप ए माइनर कॉर्ड पकड़ते हो उसे आप पकड़िए, फिर आप इस शेप को आगे शिफ्ट कर दीजिए 6th और 7th फ्रेड में, ठीक है। 6th और 7th फ्रेड में आप इसे मूव कर दीजिए, और इसके बाद आपकी अली फिंगर इसको आप रख दीजिए 5th फ्रेड में, और अगर आप इसे प्ले करेंगे तो यह है डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। ऐसे ही सी मेजर कॉर्ड बजाने के लिए आपको नॉर्मली इन 3 फिंगर से, इन जो आपकी अली 3 फिंगर है, इन 3 फिंगर से आपको ए मेजर कॉर्ड पकड़ना है जो आप ओपन पकड़ते हैं वही वाला, और इसे आप शिफ्ट कर देना है आपको 5th फ्रेड में, ठीक है। और जो आपकी अली फिंगर है इसको आप रख देना है 3rd फ्रेड में, ये बन गया सी मेजर। और ए शार्प मेजर बनाने के लिए आपको बस इसी शेप को 2 फ्रेड पीछे शिफ्ट कर देना है, ये बन गया ए शार्प, ठीक है। तो डी माइनर, ए सी शार्प और सॉरी सी मेजर और ए शार्प मेजर, ये 3 कॉर्ड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए जो स्ट्रमिंग्स की प्रैक्टिस होती है वो कॉर्ड प्रोग्रेशन में होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ऐसे नॉर्मली ऐसे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको स्ट्रमिंग पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस आने चाहिए। तो ये सबसे सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन था, इसलिए आपको मैंने बिगनर लेसन में याला दिया है, आप इसे सिंपली प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले वॉट्स पैटर्न में जाने के लिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना है डाउन अप और लास्ट वाले में म्यूट। तो ये सारे जो स्ट्रम्स हैं इनके इक्वल टाइम होने चाहिए, तो ऐसा है
डाउन अप डाउन अप म्यूट, डाउन अप डाउन अप म्यूट, डाउन अप डाउन अप म्यूट, डाउन अप डाउन अप म्यूट। तो आपको एक बार सिंपली भी आके दिखा देता हूँ, ये ऐसा है, बहुत स्लो, डाउन अप डाउन अप म्यूट, डाउन अप डाउन अप म्यूट, डाउन अप डाउन अप म्यूट। तो आपको एक चीज ध्यान देनी, जब आप म्यूट करते हैं तो आपकी सारी स्ट्रिंग बिल्कुल शांत हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, तो ऐसे करना है डाउन अप म्यूट, ठीक है। तो आपको ऐसे प्ले करना है, वॉट्स पैटर्न बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली बस करना है सबसे पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर लास्ट में म्यूट। तो म्यूट पे आपको ध्यान देना है और तो बाकी सिंपल है। तो ये हुई बात वॉट्स पैटर्न की। जो नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है वॉट्स, ये वॉट्स पैटर्न नहीं है, सिर्फ वॉट्स है, और ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बिल्कुल बिगनर लेवल के। इसमें भी ये तीन कॉर्ड यूज़ करेंगे हम इसको प्ले करने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, आपको करना है डाउन, फिर म्यूट, म्यूट। तो जो बिग डी है उसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा लेट तक इसको टाइम देना है, और जो नीचे के दो स्मॉल डी है मतलब आपको बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए बजाना है। तो जो इसका बजाने का रिदम है, जो आपको जिस टाइम फ्रेम में से बजाना है, वो हम आपको दिखा देते हैं। आपको कुछ ऐसे बजाना है, स्ट्रमिंग पैटर्न में आपके बहुत सारे गाने बजे हैं, ओल्ड सॉन्ग्स बहुत सारे। तो जैसे तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो इस स्ट्रमिंग पैटर्न में बजे, तो बहुत अच्छी स्ट्रमिंग पैटर्न। तो आपको एक बार स्लो में बजा के दिखा देता हूँ, ऐसे आपको बजाना है। सबसे पहले बजाना है आपको लॉन्ग बजाना है, डाउन डाउन, फिर दो बार डाउन छोटा छोटा। तो जो टाइम पीरियड है वो ऐसा है, आपको एक बार स्लो में दिखा देता हूँ। तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है दो बार म्यूट मारना। तो आपको एक बार नॉर्मल स्ट्रम करना है जिसमें आपको लॉन्ग चलते रहेगा, और उसके बाद दो म्यूट, ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो कॉर्ड प्रोग्रेशन को प्ले करते हुए करना है। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को। तो आप इन कॉर्ड्स में आप डाउन करिए, और ऐसे करके आप इन स्ट्रमिंग पैटर्न्स को सीख सकते हैं। तो स्ट्रमिंग पैटर्न्स को आपको रेगुलर ऐसे बजाते रहना है, बजाते रहना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही कॉर्ड में जा रहे हैं, आपको कॉर्ड भी चेंज करनी है पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन में। ऐसे आपको पहले वाला जो वॉट्स पैटर्न था उसमें भी ये करना है आपको। आपको इन दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न में थोड़ा सा म्यूट का ध्यान देना है, बाकी सिंपल है। सो जो तीसरी स्ट्रमिंग पैटर्न जिसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा वो है फॉक्स ट्रॉट। ये हल्की सी डिफिकल्ट नहीं कह सकते, डिफरेंट है दूसरी स्ट्रमिंग पैटर्न से। आपको इसको समझाना भी हल्का सा डिफिकल्ट होगा, आपको इस लेसन को हल्का सा ध्यान से रखना पड़ेगा, ये वाले स्ट्रमिंग पैटर्न के लेसन को, क्योंकि ये हल्का सा डिफरेंट है। आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक चीज़ और एक चीज़ बाहर लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ लिखी हुई है आपको बयानी है फॉक्स कॉर्ड। फर्स्ट कॉर्ड का मतलब है जैसे आप तीन कॉर्ड यूज़ करें, डी माइनर, सी मेजर, ए शार्प मेजर। तो आपको जो डी माइनर में स्ट्रम बजाना है वो बजाने हैं सिर्फ ये वाले दो, और बाकी जो सारी कॉर्ड्स हैं उनमें बजाना है आपको तीन तीन। आपकी बाकी सारी कहने का मतलब है कि आगे की जितनी कॉर्ड्स आएंगे, फिर चाहे वापस डी माइनर वापस आ जाए, उसमें भी आपको तीन ही स्ट्रम बजाने हैं। पर स्टार्टिंग जो आपका सॉन्ग की स्टार्टिंग होगी उसमें आपको जो ये कॉर्ड जो स्ट्रमिंग स्टार्ट करनी है वो सिर्फ दो स्ट्रम से स्टार्ट करनी है। तो जो इसका सबसे पहला वाला जो शॉर्ट स्ट्रम है वो मिस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले बजाना है डाउन म्यूट, फिर सेकंड कॉर्ड के लिए आपको बजाना है डाउन डाउन म्यूट, 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 डाउन डाउन। तो आपका इसका कहने का मतलब ये था कि आपको जो सबसे पहले आज आप स्टार्ट करते हैं बिल्डअप, मतलब बिल्कुल बजाना स्टार्ट करते हैं, तब आपको सिर्फ दो स्ट्रम बजानी है, पहली वाली छोड़ देनी है, सीधा बिग वाली से स्टार्ट करना है डाउन म्यूट, डाउन डाउन, फिर चाहे ए डी माइनर वापस आए उसमें आपको वही बजाना है। सॉरी, देखो आप डी माइनर वापस आए पर आपको तीन ही बजानी है, ऐसे नहीं आपको पहली कॉर्ड डी माइनर तो उसे हमेशा दो बार बजाना है, नहीं, आपको डी माइनर सिर्फ एक बार दो बार बजाना है, उसके बाद तीन तीन बार बजाना है, ठीक है। तो आपको एक सॉन्ग का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रमिंग रियली में वर्क कैसे करती है। तो एक सॉन्ग है अजीब दास्तां है ये, जिसमें एक कॉर्ड लगी है, तो हम आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे बजाना है। तो ऐसा आएगा, अजीब दास्तां है ये। तो आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ दो बजाए, फिर बजाए तीन, देखना, अजीब दास्तां है ये,
कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अगर आपने ध्यान दिया तो आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ दो स्टंप बजाए थे, पहले मैंने गैप छोड़ा हल्का सा, वहाँ पर जो पहला स्टंप था उसका गैप छोड़ा, फिर स्टार्ट करा। एक बार और लास्ट टाइम आपको दिखा देता हूँ। अजीब दास्ता है ये, देखा आपने, जो पहला स्टंप था वो मैंने मिस किया, फिर सेकंड बिग वाले से मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे बसता है स्ट्रमिंग पैटर्न। तो आपको एक बार मैं आपको स्लो मो बजाकर दिखा देता हूँ इसको बजाना कैसे। तो ऐसे है, डाउन म्यूट डाउन डाउन म्यूट डाउन डाउन जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा डाउन डाउन डाउन। तो बस आपको पहले स्ट्रम में डाउन म्यूट करना है, उसके बाद बाकी में डाउन डाउन म्यूट डाउन डाउन। पहले वाले स्ट्रम में आपको करना है दो बार, फिर आपको आगे की सारी स्ट्रम में तीन बार, ठीक है। तो हल्का सा डिफिकल्ट है आपको समझने में, किसी परेशानी अगर आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसके बारे में, फॉक्स ट्रॉट के बारे में या बाकी दो के बारे में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये था आज के लेसन, बाकी के लेसन हम आगे के लेसन में हम और स्ट्रमिंग पैटर्न करेंगे, हम बासुनोवा करेंगे, हम कैलेप्सो करेंगे, हम बहुत सारी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रमिंग्स करेंगे, उनके बारे में आपको सॉन्ग्स बताऊंगा, उनके सॉन्ग्स कौन कौन से सॉन्ग्स बजे हैं, बाकी अभी तक सारे जो ये जो मैं आपको कोर्स बताऊंगा उन्हीं में सारे सॉन्ग्स बजते हैं, उन्हीं को हल्का सा मॉडिफाई और इधर उधर एक दो बीट्स चेंज करके उनमें सॉन्ग्स बनते हैं। तो आप अगर ये 25-30 अगर आप ये सीख गए तो आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, कोई सी स्ट्रम। तो अगर आपको लेसन पसंद आया तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस।